उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक तथा परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी एवं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने परास्नातक अंतिम वर्ष के 634 तथा स्नातक अंतिम वर्ष के 122 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 1000 की क्षमता वाले अटल प्रेक्षागृह में उपस्थित शिक्षार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सकारात्मकता सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकती है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को स्थान न दें और मन को कमजोर न होने दें। देखिए, छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और ये दर्शाता है, अभी आपने देखा, इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री की तरह जिस तरह से उन्होंने अपने आप को साबित किया है, प्रदेश के अंतिम गांव तक, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, जो छात्र छात्राओं के लिए घोषणा की गई थी उसको धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम था। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सरकार जो भी कहती है वो करती है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने कहा कि टैबलेट एवं स्मार्टफोन तकनीक की जानकारी में छात्र छात्राओं की मदद करेगा। उन्होंने छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि वो इनका सदुपयोग करेंगे। यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के 12 अध्ययन केंद्र हैं, जिसमें के एक अध्ययन केंद्र प्रयागराज भी है, जहां पर आज डिजिटल के तहत 756 लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। और शायद ये दूरस्थ शिक्षा के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को इससे बहुत सारी सूचनाएं बहुत सही समय पर प्राप्त हो सकेंगी और वो इससे अध्ययन कर लाभान्वित हो सकेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी एवं कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर पीपी दुबे की पुस्तक का विमोचन किया।